हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट, मतलब 8/9 का कह रहे हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 1/8 है। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका बेसिकली उन्होंने आंसर पूछा है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का भी निकालने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, और अगर आंसर 1 आ जाता है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यही करने वाले हैं। बेसिकली 8/9 हमें गिवन है और दूसरा नंबर हमें गिवन है -1 1/8। बेसिकली ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो चलिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। तो माइनस तो लगा रहेगा, हम इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 1 is 8 + 1 9, तो 9/8 हमारे पास ये क्वेश्चन आया। अब ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों का अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब अगर 1 आता है तो आंसर क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो देखिए 8 1 is 8 8 1 is 8, 9 1 is 9 9 1 is 9, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, और 1 1 नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा -1 आ जाएगा, जबकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव 1 आना चाहिए था। अगर हमारा पॉजिटिव 1 आंसर आता तो हमारा 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता वो ये हो जाता। अगर हम इसका मतलब अगर यहाँ से माइनस हटा दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बट यहाँ तो माइनस है, तो हमसे पूछा है कि ये वाला होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं है। ठीक, वाई का आंसर हो गया वाई नॉट, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव 1 नहीं आया। तो हम यहाँ पर सिंपली लास्ट में लिख सकते हैं सिंस 8/9, सॉरी वी हैव टू राइट हेंस 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, राइट। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया है इसमें, कैसे किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।